ईडीएमसी मुख्यालय में सदन की हुई बैठक, आप पार्षदों के पार्टी के चिन्ह वाले मास्क लगाने पर बवाल, बीजेपी आपने एक दूसरे पर लगाया आरोप। कोंडली में शराब के ठेके को किया गया सील, ठेके को सील करने के दौरान मेयर श्याम सुंदर भी रहे मौजूद। मेयर ने बताया कि कानूनी तौर पर अवैध ठेका खोला गया था। आपकी जीत पर सिख लोगों में दिखी खुशी, महिलाओं ने कहा जो वादे किए उन्हें पूरा करें केजरीवाल, आपसे उम्मीदें और ज्यादा बढ़ी। शकरपुर में लिविंग रिलेशन में रहने वाले एक शख्स ने किया सुसाइड, कमरे से सुसाइड नोट मिला, परिजनों ने कहा साथ रह रही लड़की पर है शक। और पांडव नगर में मोबाइल की दुकान पर पहुंचे दो बदमाश, बदमाशों ने दुकानदार को पिस्टल और चाकू दिखाकर डराया, मोबाइल की दुकान से 10 फोन और 1.5 लाख कैश लूटा, पुलिस ने की जांच शुरू। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सीसीएन में, मैं हूं आपके साथ सुनील चौहान और आप देख रहे हैं पूर्व दिल्ली खास। अब होते हैं रूबरू पूर्व दिल्ली की अहम खबरों के साथ। राज्य में हुए विधानसभा चुनाव के नतीजों को लेकर ईडीएमसी हेडक्वार्टर में सदन की बैठक हुई है। बीजेपी और आपकी जीत पर पार्षदों ने एक दूसरे को बधाई दी, लेकिन इस बीच पर आपके पार्षदों के सदन में पार्टी के चिन्ह वाले मास्क लगाकर बैठक में शामिल होने पर बवाल छिड़ गया। बीजेपी पार्षदों ने जमकर हंगामा किया, आप पार्षदों के मास्क लगाने के विरोध में देखते देखते बीजेपी और आपने एक दूसरे पर आरोप लगाने शुरू कर दिए। पूर्व दिल्ली नगर निगम ने कोंडली में शराब के अवैध ठेके को सील कर दिया। ठेके को सील करने के दौरान मेयर श्याम सुंदर अग्रवाल, स्थायी समिति के अध्यक्ष वीर सिंह पवार, क्षेत्रीय पार्षद अतुल गुप्ता और निगम के अधिकारी मौजूद थे। मेयर श्याम सुंदर अग्रवाल ने बताया कि ठेका भवन नियमों का उल्लंघन करके बनाया गया था, कानूनी तौर पर ये अवैध ठेका खोला गया था। मेयर ने आगे बताया कि भवन नियमों के उल्लंघन के कारण ये कार्रवाई की गई है। पंजाब विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस का सफाया कर दिया और आपके पलड़े में एक और राज्य आ गया, जिसको लेकर सिख नेताओं ने कहा कि महिलाओं के किए वादे पर कितने खरे उतरेंगे देखना होगा, क्योंकि केजरीवाल ने महिलाओं को 1,000 रुपये देने की बात कही है। वहीं कुछ और लोगों ने कहा कि जो वादे आपने सरकार ने किए हैं उन वादों पर काम भी करें, ऐसी हम उम्मीद करते हैं। सिख लोगों की उम्मीदें आम आदमी पार्टी से और ज़्यादा बढ़ गई हैं। हमें खुशी है कि पंजाब में केजरीवाल जी की सरकार बनी है, तो उन्होंने बहुत ही मिस पेन उन्होंने महिलाओं से बहुत वादे किए थे कि हर महीने वो 1,000 रुपये महिलाओं को देंगे और भी बहुत फैसिलिटीज देंगे, तो अब देखते हैं कि वो कब से महिलाओं को खुशी देते हैं और उनकी जो उन्होंने उनको फैसिलिटी देने के वादे किए थे वो पूरे करते हैं, क्योंकि मेन तो महिलाओं ने ही उनको भरपूर प्यार भी दिया है और वोट भी दिए हैं। यूपी और दूसरे इलाकों में बीजेपी जीत रही है तो पंजाब में एब्सोल्यूट मेजॉरिटी आम आदमी पार्टी लेके जा रही है। यही गुहार लगाएंगे सभी दलों से, दोनों पार्टियों से, कि जो जो वायदे किए हैं, जो जो प्रोमिसज किए हैं अपने इलाके के लोगों के साथ, उन प्रॉमिसेस को जल्द से जल्द पूरा कीजिए। कि शरीर के अंदर दो ही चीज़ें काम कर दी ने, एक दिल ते एक दिमाग, जेड़ा कि आम आदमी पार्टी ने पहले दिल्ली के रूप में दिल नू जीतया थी, हुन दिमाग के रूप में पंजाब नू जीतया है, और जिस पार्टी को दिल और दिमाग दोनों चीज़ें ने वो अगे की करेगी, बहुत ही खुशी है। हम उम्मीद पंजाब के मान के उपर, भगवंत मान के उपर, शिक्षा नू लैके, नशे नू लैके और स्वास्थ्य की लैके जो सुविधा दिल्ली से चल रही ने वही उत्थे लागू करके जड़ी जनता नू सहूलियत मिली है और सहूलियत जरूर दें। पूर्व दिल्ली के शकरपुर इलाके में एक शख्स लिव इन रिलेशन में रह रहा था। वो शख्स नवंबर 2021 को अपने कमरे में दीवार में लगे एक हुक से रस्सी से लटका हुआ मिला था। कमरे से सुसाइड नोट भी बरामद मिला है, परिजनों ने मौत को संदिग्ध बताया, लिहाजा उन्होंने अदालत का दरवाजा खटखटाया है, जिसके निर्देश के बाद शकरपुर थाना पुलिस ने 7 मार्च को आत्महत्या के लिए उकसाने का केस दर्ज कर लिया है। वह मामले की जांच में जुट गई है। परिजनों का कहना है कि कोर्ट के कहने पर FIR दर्ज की गई है। परिजनों का यह भी कहना है कि जो लड़की लिव इन रिलेशनशिप में रह रही थी उस पर उनको शक है।
पुलिस ने बोला कि हमें कुछ नोट्स मिले हैं, ऐसा लग रहा है कि सुसाइड है। उन्होंने हैंगिंग देखा हैंगिंग मोड में, तो उन्होंने बोला सुसाइड है, जबकि वहाँ पे मतलब बहुत सारा ब्लड गिरा हुआ था और उसके पैर भी ज़मीन से लगे हुए थे। तो ये किसी एंगल से, और हाइट इतनी ज़्यादा थी, ऊँचाई थी कमरे की, कोई टूल इतना ऊँचा नहीं था, तो ये किसी एंगल से लग नहीं रहा था, लग रहा था किसी ने इसको लटका दिया है। वायर था, केबल वायर था, उससे इसको लग रहा था, तो उस वायर के सहारे लगता है इसको लटका दिया पहले इसका काम। और दरवाजे की कुंडी खुली हुई थी कि FIR लॉग होनी चाहिए, मामला संदिग्ध लग रहा है और पुलिस को इसकी पूरी जांच करनी चाहिए। ज्योत्सना सिन्हा जो कि पटना से, जो साथ में लिव इन में रहती थी उसके साथ, 1 नवंबर 2021 का मामला है जी, और FIR 7 मार्च 2022 को लॉग हुआ है। जब वहाँ पे मैं पहुँचा तो पता चला दरवाजा खुला पड़ा है, और खुला पड़ा है अभी हैंगिंग मोड में। तो उस समय तो हर कोई नर्वस था, किसी को समझ भी नहीं आता। मैंने पुलिस को कांटेक्ट किया, फ़ोन किया, पुलिस वाले आए, सब कुछ देखा, तो वहाँ पे सुसाइडल नोट पड़ा हुआ था। कोर्ट में हमने सारी बातें रखी, तो कोर्ट ने यही कहा कि इसका प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए, हाँ मामला संदिग्ध लगता है, तो उन्होंने वहाँ से थाने को ऑर्डर करा कि सबसे पहले FIR लॉक किया जाए और फिर पूरा इन्वेस्टिगेशन किया जाए। पूर्व दिल्ली के पांडव नगर में रात के समय बदमाश पहुंच गए और एक बदमाश ने पिस्टल निकाल ली और दूसरे ने चाकू निकाला। बदमाशों ने काउंटर के नीचे बैठने का और कहकर बदमाशों ने दुकान से 10 फोन और गले से कैश निकाल लिया। पीड़ित का दावा है कि करीब 1.5 लाख रुपए का नुकसान हुआ है। वारदात के बाद पीड़ित दुकानदार तो दोनों बदमाश फरार हो चुके थे। पुलिस को कॉल करके वारदात की जानकारी दी गई। दुकानदार परेशान हुआ। दुकान के CCTV में दोनों बदमाश कैद मिले हैं। पुलिस ने लूट कर केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। चाकू निकालने के बाद सेम चीज़ मेरे से बोला जो कैश है वो निकाल दें, तो मेरे पास 10-12 हज़ार रुपये कैश थे, वो मैंने उनको 10-12 हज़ार रुपये निकाल के दे दिए। तो उनको लगा कि शायद मैंने प्रॉपर पैसे नहीं दिए, तो वो लड़का चाकू वाला जो है वो चाकू दिखा, तो मेरे पास आया और गले में को देखा, गले में और कैश नहीं थे। फिर उन्होंने जो है यहाँ से फ़ोन उठाने शुरू किए, फ़ोन उठा के जो है 10 या 12 फ़ोन के आसपास जो है वो लेके सीधा चले गए, और मेरे को जो है यहाँ पे नीचे वो बहुत बार बार थ्रेड किया कि अगर ज़्यादा से भी कुछ मूवमेंट करेगा तो उनको मैं फायर कर दूँगा। सर टोटल 1,60-1,80 के आसपास, 1,80,000 के आसपास का मेरा लॉस है, जिसमें 10-12 हज़ार कैश थे सर मेरे पास जो है। 2020 में हुए दिल्ली दंगों मामलों में अब तक 19 केस से ज़्यादा सुनवाई हो चुकी है। दिल्ली पुलिस ने अभी अब तक 6 से ज़्यादा चार्जशीट दाखिल की हैं और सप्लीमेंट्री चार्जशीट दाखिल करेगी। वहीं कड़कड़डूमा कोर्ट के एडवोकेट पूरन शर्मा ने बताया कि कोई भी समाधान अभी तक नहीं निकला है, सिर्फ और सिर्फ तारीख पर तारीख मिल रही है। अदालत ने 2 सार्वजनिक गवाहों शरीम और साजिद के बयान दर्ज किए थे। इसके अलावा आरोपी व्यक्तियों के दृश्य वाले वीडियो और वीडियो की FSL रिपोर्ट के आधार पर आरोपी के खिलाफ आरोप तय किए गए। दिल्ली दंगों में दो पक्षों के बीच में ये केस रजिस्टर्ड हुए हैं 24 और 25 फरवरी 2019 के बीच में, लगभग 2 साल से ज़्यादा समय हो गया है, और विशेष समुदाय के बहुत सारे लोगों की जमानतें भी हो गई हैं और वो बरी भी हो गए हैं। जबकि इसके विपरीत जो हिंदू समाज के बच्चे हैं, जो निर्दोष हैं, जो आज तक जेल में बंद हैं, उनके चार्ज की सुनवाई भी पूरी नहीं हो पाई है। आज भी केस 6 केस लगे हुए हैं जज साहब के यहाँ, किसी की भी कोई जमानत पे कोई सुनवाई नहीं हो पाई है। सबसे पहले चार्ज फ्रेम करने की बात चल रही है, लेकिन हर बार यही होता है कि अगली बार चार्ज फ्रेम करेंगे तब उसके बाद सुनवाई होगी। लगभग 19 तारीख इस केस में हिंदू समाज के जितने भी बेगुनाह बच्चे फंसे हुए उनकी लग चुकी हैं। वर्तमान में आज भी जज साहब के सामने 6 केस लगे हुए हैं। उत्तराखंड में हुई BJP की जीत पर उत्तराखंड के लोगों ने कहा कि हम बहुत खुश हैं। एक बार फिर से BJP उत्तराखंड में अपना परचम लहराया है। कांग्रेस के राज में गुंडागर्दी भूमाफिया होते थे, लेकिन जब से BJP की सरकार उत्तराखंड में आई है तब से महिला पूरी तरीके से सुरक्षित हैं और लॉ एंड ऑर्डर बरकरार है। आधे से ज़्यादा क्राइम खत्म हो गया है, इसलिए हमने BJP को सपोर्ट किया है। उत्तराखंड के लोगों के लिए जो विकास का काम किया है और जो हमारी जो तीर्थ यात्राएं हैं, चारों धाम हैं, उन सब के लिए जो विकास किया है उसका ये रिजल्ट आना था। और मैं समझता हूं कि कार्यकर्ताओं की कड़ी मेहनत और कार्यकर्ताओं का जो प्रयास वहां रहा है, जो मैं समझता हूं कि ये बहुत बड़ी जीत है, बहुत बधाई। इस देश की जनता ने अपने वोट की कीमत को पहचाना है और घर से वोट निकलकर खास तौर से महिलाओं ने सुरक्षा के अंदर थंबर मेजोरिटी से अधिक वोट योगी जी को दिए हैं, और योगी जी बहुमत से यहाँ UP के अंदर जीत के नहीं आए बल्कि चारों स्टेटों में BJP ने अपनी धमक बरकरार करी है। चाहे वो गोवा हो, चाहे वो मणिपुर हो, चाहे वो उत्तराखंड हो,
सबके अंदर उनने मेजोरिटी बनी है सभी चारों स्टेट में। अब भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री बनने जा रहा है, चहुंमुखी विकास की योजना क्षेत्र की जनता के आगे ये बढ़ चढ़ कर बोल रहे हैं, सभी क्षेत्र की जनता को बहुत बहुत साधुवाद। लोगों में एक उत्साह था, वह उत्साह लोगों में मत के माध्यम से परिवर्तन हुआ, लोगों में एक उत्साहवर्धन वो था। जिस प्रकार आदरणीय हमारे श्री प्रधानमंत्री जी ने उत्तराखंड के लिए लगातार चाहे वह विकास के लिए पैकेज देना रहा हो, चार धाम यात्राओं के लिए रहा हो, ऑल वेदर रोड रहा हो, विभिन्न योजनाएं रहे हों, जो ज़मीन पर जनकल्याण योजनाएं विभिन्न उत्तराखंड के लिए दी, उस पर उसी प्रकार जो हमारे उत्तराखंड के CM पुष्कर सिंह धामी जी थे, लगातार जनता से जुड़ाव रहा उनका, लगातार पूरे प्रदेश में भ्रमण, इस प्रकार की जनकल्याणकारी योजनाओं को लेकर लोग प्रभावित थे। हमारे जो उत्तराखंड के कार्यकर्ता हैं, जो हमारे विधायक हैं, उन्होंने इतना अच्छा कार्य किया कि जनता उनको दोबारा चुन के लाई। हमारे जो मुख्यमंत्री जी हैं धामी जी, भले ही वो अपनी सीट हार गए लेकिन वो दिलों को जीत गए। घर घर में खुशी है, घर घर में एक नारा चल रहा है, घर घर मोदी घर घर योगी। और हम सभी ये जानते हैं कि ये योगी जी का, मोदी जी का सपना, उनकी मेहनत, उनके कार्य और जनता के लिए जो उनके विचार हैं, वो सभी का एक मिला जुला ये फल है जो वहाँ उत्तराखंड में देखने को मिला है। उन्हीं की वजह से आज औरतें घर से निकलकर बाहर कार्य कर रही हैं और चीज़ें संभाल रही हैं, मोदी जी की वजह से। तो मोदी जी ने औरतों को बहुत प्रोत्साहित किया है। हम इतना खुश हैं कि हमारे उत्तराखंड में जो हमारी BJP आई है, कि आप हम आपको बता नहीं सकते कि हम कितना खुश हैं और कितनी खुशियां मना रहे हैं। आज ही हमने बड़ी ज़ोर शोर से एक रैली निकाली है कि हमारा उत्तराखंड हमारे जीता है करके, उसके से बहुत सुंदर और बहुत बड़ी रैली निकाली है। हमारा देश ही वही है सारा, समझा सर, मगर जो मोदी जी ने काम कराया ना जी, वो किसी ने काम नहीं कराया। मोदी जी और योगी जी क्या काम कर रहे हैं, वो काम कर रहे हैं जो आप कोई कर ही नहीं सकता। उस नतीजे से तो हम बेहद खुश हैं, हमारे माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के उसमें जो भाजपा ने इतनी प्रचंड भूमि सीटों पर लाई है और वो खुद नहीं जीत पाए, वो उनका एक दुर्भाग्य रहा, और पर वो हमारे लिए आज भी माननीय मुख्यमंत्री रहेंगे। त्योहारों के समय यात्रियों को कोई परेशानी ना हो, इसके लिए बस अधिकारी बसों का इंतजाम करते हैं। और होली आने में अभी एक हफ्ता बाकी है, लेकिन अब बस अधिकारियों ने बताया कि हम होली के लिए या फिर और भी त्योहारों पर अलग से बस सर्विस उपलब्ध कराते हैं, ताकि किसी को किसी भी तरह का कोई दिक्कत ना हो, यात्री अपना सफर आराम से कर सकें। इसलिए हम होली से 2 दिन पहले अलग अलग डिपो से बस का मंगवाकर यात्रियों को उनकी मंजिल तक पहुंचाने का काम करते हैं। पब्लिक आने चालू हो गई है, मतलब यात्री काफी ये मात्रा में आ गए, बिल्कुल किसी तरह की कोई असुविधा नहीं होने देते पब्लिक को, यात्री को, और टाइम से गाड़ी मिलती है, टाइम से पहुँचाती है। एक हफ्ते पहले प्रबंध किए जाते हैं कि एक्स्ट्रा गाड़ी खड़ी रहती है, जहाँ की भीड़ होती है वहाँ की हम सेवा देते हैं। तो प्रबंध ये है कि कोई तरह कष्ट ना हो यात्री को, और लेके यहाँ से गोरखपुर तक, सनौली तक किसी यात्री को परेशानी नहीं होने देगी। यह होली का त्यौहार आ रहा है और हम जो है पूरे परिवहन निगम पूरा स्टाफ जो है हर तरीके से जो है मदद करते हैं यात्रियों की। रूट हमारा गोरखपुर सनौली तक है, उत्तर प्रदेश परिवहन निगम का रोडवेज सेवा है और सुचारू रूप से रोडवेज सेवा चल रही है, बीच में कहीं नहीं रुकती, बस होटल पे रुकती है 15-20 मिनट के लिए। होली के त्यौहार में अभी एक हफ्ता बाकी है और 2 साल के बाद पहला मौका है जब कोरोना के केस कम है। 2 साल से कोरोना के साए में एक भी त्यौहार ठीक से नहीं मनाया गया, लेकिन इस बार बाजारों में रौनक है, साथ ही लोग जमकर खरीदारी भी कर रहे हैं। लोगों के मन में काफी उत्साह देखा जा रहा है और इस बार होली का त्यौहार धूमधाम से मनाया जाएगा। बहुत ज्यादा जी, और इस टाइम तो हर्बल गुलाल बिक रहे हैं बढ़िया वाले। तैयारी में ये वैरायटी आई है, पैपेविक नई वैरायटी आई है और सारे एक से एक डिजाइन है। पिछले 2 साल से लोग होली नहीं मना पाए, नहीं मारे, सबके माल बचे हुए पिछले बार के, ये इस बार सारे नए डिजाइन है। इसमें फ्रूट भी वाले आए जी, हर्बल गोपाल जी के हैं, सब अलग अलग कलर में है। कितने कलर आए इसमें? इसमें 6 कलर है जी, 6 कलर है। रेट कैसे हैं अभी इनके? रेट ज्यादा है या कम है? कम है जी, 40 रुपए है, प्रिंट 90 रुपए है, 40 रुपए में दे रहे। पिचकारी ले जा रहे हैं जी, पिचकारी में थोड़ा बहुत कम ले जा रहे हैं, और माल है ही नहीं पीछे। जो डोरेमोन है, स्पाइडरमैन हो गया, अपनी बारबी हो गया, पहले के मुकाबले तो रेट ज्यादा ही है अभी तक। तो हम लोग देख रहे हैं रेट ज़्यादा हैं और लोग इस अभी तक इतनी ख़रीदारी नहीं कर पा रहे। तो बाकी रही इसकी बात, देखो दुकानदार को शॉप के ऊपर हर चीज़ रखनी पड़ती है, तो होली का त्यौहार है, फिर तो कस्टमर टाइम का टाइम निकलता है। आने टाइम समय में लग रहा है कि और ज़्यादा खरीदारी बढ़ेगी? उम्मीद है जी, उम्मीद पे दुनिया कायम है और हम कोशिश यही करते हैं कस्टमर ज़्यादा से ज़्यादा आए।
सरकारी स्कूलों में कॉन्ट्रैक्ट्स पर रखे जाने वाले टीचर्स को हमेशा चिंता रहती है कि उन्हें कन्फर्म किया जाएगा या नहीं। दरअसल सरकारी स्कूलों में पक्के टीचर्स के काफ़ी पद खाली पड़े हैं, उसके बावजूद गैस टीचर्स को पक्का नहीं किया जा रहा है, जिससे कहीं ना कहीं उन टीचर्स को डर बना रहता है कि उनकी नौकरी कितने समय तक रहेगी या रहेगी भी या नहीं। साथ ही सैलरी भी कम मिलती है, इसलिए डिपार्टमेंट को गैस टीचर्स को कन्फर्म कराना चाहिए, जिससे खाली पद भी भर जाएँ और गैस टीचर्स की भी नौकरी कन्फर्म हो जाए। मैम, ये तो पक्का करने की बात तो बहुत सालों से चल रही है हमारी कि पक्का किया जा रहा है, एलजी के पास फाइल जा रही है, गवर्नमेंट हमारे लिए पॉलिसी बना रही है, लेकिन अभी तक ऐसा हमारे पास कुछ क्लियर कटआउट नहीं आया है कि क्या हो रहा है। नहीं, पद तो बहुत खाली हैं डिपार्टमेंट में, बस हमें कन्फर्म नहीं किया जा रहा है, और कन्फर्म नहीं करके हमारी जॉब सिक्योरिटी पे ये सवालिया निशान है कि हम मतलब इस जॉब को कर तो रहे हैं पूरी ईमानदारी से, पूरी ऑनेस्टी से, पूरे हार्ड वर्क से कर रहे हैं इस जॉब को, लेकिन हमारे लिए इसकी सिक्योरिटी नहीं है, क्योंकि कन्फर्म करने में बहुत समस्या आ रही है। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि परमानेंट की पोस्ट बहुत खाली है, बट फिर भी गेस्ट को परमानेंट नहीं किया जा रहा। दिक्कत मैम सारी ही है, क्योंकि पर डे पीरियड के हिसाब से होता है मैम, पर डे सैलरी मिलती है, अगर एक भी दिन नहीं आए तो उस दिन की सैलरी नहीं बनती। अभी फ़िलहाल कोई उम्मीद तो ऐसी नहीं है, बाकी अगर उम्मीद हो जाए कि अगर हमारी जॉब सिक्योर हो जाए तो ज़्यादा अच्छा है। पोस्ट काफ़ी खाली पड़ी हुई हैं, अगर हम अपने स्कूल की बात करें तो हमारे स्कूलों में भी काफ़ी पोस्ट खाली पड़ी हुई। मतदाताओं को जागरूक करने के लिए कई कार्यक्रम किए जाते हैं, जिससे लोग अपने कर्तव्यों के प्रति जागरूक हो सकें और अपने वोट का सही तरीके से इस्तेमाल करें और अपने वोट के महत्व को समझें। ऐसे कार्यक्रम विवेकानंद महिला कॉलेज में आयोजित किया गया, जिसमें चीफ इलेक्शन ऑफिसर गेस्ट के रूप में पहुंचे। युवाओं को जागरूक करने के लिए स्लोगन और पोस्टर मेकिंग कंपोजिशन भी रखा गया, जिसमें सभी ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया है। काफ़ी सारे यंगस्टर्स ने इसमें पार्टिसिपेट किया है, एंड एक जैसे कि यंग एज में जो हमें पता चलता है, इट रियली क्रिएट लॉट ऑफ इम्पैक्ट ऑन अस। सो ये प्रोग्राम के द्वारा स्टूडेंट्स एंड जो यंग वोटर्स है, फर्स्ट टाइम वोटर्स है, यंग गर्ल्स वोटर्स है, उनको पता चल रहा है कि व्हाई इट इज़ सो इम्पॉर्टेंट कि उन्होंने अपना राइट टू वोट क्यों एक्सरसाइज करना चाहिए। सो आई एम वेरी श्योर कि ये काफ़ी ये जागरूक बच्चों को ज़रूर कर रहा है, एंड वी ऑलवेज नो दैट अगर एक स्टूडेंट जागरूक होता है, अगर एक यंगस्टर जागरूक होता है, तो उसकी पूरी फैमिली एंड उसका नेबरहुड एंड देन इट गोज़ ऑन टू। जी, नेशनल वोटर डे 25 जनवरी को होता है, उस दिन इलेक्शन कमीशन ने एक नेशनल वोटर अवेयरनेस कॉन्टेस्ट अनाउंस किया था, जो कि 15 मार्च तक, 25 जनवरी जो हमारा नेशनल वोटर डे होता है तब से लेके और 15 मार्च तक वो नेशनल वोटर अवेयरनेस कॉन्टेस्ट चल रहा है। अब चार पाँच दिन बाकी रह गए हैं उसके। तो ये जो कार्यक्रम है, ये हमने किया था ऑन द स्पॉट कॉन्टेस्ट ऑर्गेनाइज करने के लिए। तो इसमें विवेकानंद महिला कॉलेज के छात्रों ने और कुछ स्कूलों के छात्रों ने हिस्सा लिया। हमारा जो आज का युग है वो एक्टिव ही नहीं है लेकर, इलेक्शंस को लेकर। इस अभी यूपी में इलेक्शंस हुए तो आई डोंट थिंक, मतलब 60% लोगों ने तो दिया ही नहीं होगा वोट। मैंने काफ़ी अच्छा राइटिंग में लिखा था, काफ़ी 3D राइटिंग थी मेरी, और मैंने काफ़ी अच्छा बॉर्डर भी बनाया था, तो इसलिए मुझे अच्छा था। मेरा टॉपिक था वोटर अवेयरनेस। और पूर्व दिल्ली की अधिक जानकारी के लिए आप यूट्यूब पर जाकर CCN लाइव को सब्सक्राइब करें और फ्रेश अपडेट लेते रहें। और फिलहाल पूर्व दिल्ली खास में इतना ही, बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए CCN के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।